जय सियाराम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौड़ा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री
रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है।